नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मांडर उपचुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने ओवैसी पर जमकर हमला बोला है, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए हुए नारे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है इरफान अंसारी ने। देखिए, झारखंड जो है ये कोई हैदराबाद नहीं है, यहाँ का अलग कल्चर है हमारा। हम लोग उनके तो अमीर नहीं है, हम लोग काफ़ी गरीब हैं यहाँ। और यहाँ आके आप नेतागिरी कीजिएगा, आप इरफान अंसारी को अपनी तुलना कीजिएगा, अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनको। किसी ने कह दिया कि इरफान अंसारी ऐसा बोला, वो मेरे बाप पे चलेगा, ये अच्छी बात नहीं है। आप बड़े नेता हैं, आपको बात करने का तरीका होना चाहिए, शैली होनी चाहिए। आप पिताजी पे चले जाइएगा, मेरे पिताजी झारखंड लिए, उनके त्याग बलिदान के कारण झारखंड बना है। अजीब आप बात करते हो यार, अच्छी बात नहीं। सर, आपको उन्होंने ये भी कहा है कि आपने दो बच्चों की जान जाने पर अपनी सियासत रचने का प्रयास किया है। जी नहीं, मैं उसके परिवार के साथ खड़ा रहने का काम करता हूँ। उनको इसलिए बुरा लग रहा है कि अल्पसंख्यक की आवाज़ इरफान अंसारी है, गरीब की आवाज़ इरफान अंसारी है, सभी धर्मों की आवाज़ इरफान अंसारी है, ये बुरा लग रहा है। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये तो गलत है। अगर किसने लगाया, सरकार ने जांच का आदेश दिया है और मुझे विश्वास है जो इस तरह की घटना का अंजाम दिया है, सरकार टेस्ट कर रही है और सच का सच दूर तक सामने आएगा।